आतिकुर रहमान साहब, आपको भी दिक्कत है वंदे मातरम से? जी, ये जो महाराष्ट्र के अंदर जो फोर्सफुली किया जा रहा है या जो इसके लिए नोटिफिकेशन, इसके ऊपर आपत्ति जरूर है। वंदे मातरम बोलने पर हमको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसकी दो चार वजह हैं। देखिए, क्योंकि आज हम गांधी जयंती मना रहे हैं, महात्मा गांधी का बहुत फेमस एक प्रोवर्ब है जिसमें उन्होंने कहा था, यू कैन नॉट आस्क फॉर वोट्स फ्रॉम एन एम्प्टी स्टमक। यहां पर हमारी नेसेसिटीज, हमारे बेसिक राइट्स, हमारी प्रायोरिटीज अगर सरकार पूरी कर लेती है तो सरकारों को जो डायरेक्शन इश्यू करना है करे, वंदे मातरम का करे, जय हिंद का करे, जय महाराष्ट्र का करे, सलाम का करे, नमस्ते का करे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। प्रॉब्लम ये है राकेश भाई कि जो लोगों की मूल समस्याएं हैं वो सरकार उनका कोई सलूशन तय नहीं कर पा रही है, ढूंढ नहीं पा रही है, लोगों को बेसिक सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है, वहां पर आप इन चीजों को लागू करके एक नेशनलिज्म अपने स्लीव पर पहनने के लिए आमादा कर रहे हैं। क्या चाहती क्या है सरकार? नेशनलिज्म बुरी बात है। प्रॉब्लम जो बेसिक है, आतिकुर रहमान साहब, नेशनलिज्म बुरी बात है। में आप लेके आइए, प्रायोरिटीज को सेट कर दीजिए, उसके बाद में आप जो डायरेक्शन। नहीं नहीं, प्रायोरिटीज, महंगाई क्या है, लोगों की समस्याएं क्या हैं, इस पर चर्चा होती रहती है आतिकुर रहमान साहब, लेकिन क्या नेशनलिज्म? नहीं नहीं, नेशनलिज्म बुरी बात है, नेशनलिज्म बुरी बात है, सोल्यूशन नेशनलिज्म बुरी बात है। आपने नेशनलिज्म का तर्क दिया, नेशनलिज्म बुरी बात है। अगर मैं राष्ट्रवादी हूं तो क्या मैं गलत हूं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती के दिन मैं आपको ये बता रहा हूं। नहीं नहीं आतिकुर रहमान साहब, सवाल है राष्ट्रवादी होना क्या गलत है? सोशल सिक्योरिटी जब तक आप प्रोवाइड नहीं करते सोशल सिक्योरिटी पर, नहीं नहीं आतिकुर रहमान साहब, सोशल सिक्योरिटी पर चर्चा होती है। मेरा सवाल है, नेशनलिज्म होना, नेशनलिस्ट होना, राष्ट्रवादी होना क्या गलत है? बेसिक नेसेसिटी पूरी की आपने जनता की? नहीं की। फुटपाथ पे चलने के लिए जगह नहीं है मुंबई के लिए, हम मुंबई में हमको फुटपाथ पर चर्चा हो रही है, मुंबई की ट्रैफिक पर चर्चा कर रहे हैं आतिकुर रहमान साहब, मुंबई के ट्रैफिक पर चर्चा कर रहे हैं, अतिक्रमण पर चर्चा कर रहे हैं, नेशनलिज्म पे, ये नेशनलिज्म से जुड़ी हुई चीज है। हम ट्रैफिक पर चर्चा कर रहे हैं मुंबई के, सोशल सिक्योरिटी, हम मुंबई के ट्रैफिक पर चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या मैं नेशनलिस्ट हूं तो गलत है? अगर मैं वंदे मातरम कहने में गौरव महसूस करता हूं तो क्या गलत है? सरकार को लगता है कि महाराष्ट्र में अगर सरकारी अधिकारी वंदे मातरम कहें जब फोन रिसीव करते हैं हेलो की जगह, इसमें क्या गलत है? अपनी जो उन्होंने शपथ ली थी सरकार बनाते वक्त, आप अलग एजेंडा तय करके आ गए, आप अलग एजेंडा तय करके आ गए। ठीक है विशाल मिश्रा जी, विशाल मिश्रा जी, क्या नेशनलिस्ट होना गलत है? मैं राष्ट्रवादी हूं तो क्या गलत है? नहीं राकेश जी, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। अब लेकिन बात ये जो चर्चा हो रही है, कौन नहीं जानता कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित, जो वास्तव में तो उन्होंने 1870-72 में ये लिखा था, लेकिन बाद में उनके 1882 के उपन्यास आनंद मठ में आया था, और किस प्रकार की परिस्थितियों में उन्होंने लिखा था, और जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, हमारे जो हम स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसका वो प्राणवायु बना था। हम कैसे भूल जाएं 1905 का वो स्वदेशी आंदोलन, जब बंगाल का बंग भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो मैं आपको थोड़ा सा दो लाइन इतिहास का बताऊंगा। बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु हुआ करता था, तो रिसले होम सेक्रेटरी लिखता है वायसराय कर्जन को कि बंगाल यूनाइटेड इज अ पार एंड द डिवीजन ऑफ बंगाल विल पुल इट इन सेवरल वेज। तो कर्जन जानते हैं क्या लिखता है, देखिए कैसे बंगाल। नहीं, नहीं, आप ये बात कर रहे हैं ना विशाल जी, विशाल जी मैं आपके साथ इंटरप्ट कर रहा हूं, आप ये बात कर रहे हैं, दानी जी कहेंगे सबूत दीजिए इसका, आंदोलन का सबूत दीजिए कि बंग भंग में वंदे मातरम की जा रही है, वंदे मातरम बोलते हुए बंगाल के लोग सड़कों पर निकले हुए थे 1906 से 1911 का वो दौर, और उस दौरान अंग्रेजों को यह फैसला वापस लेना पड़ा था। दानी जी उसका सबूत मांगेंगे, दीजिए इनको सबूत। ये तो बता रहा हूं ना कि किस तरीके से कर्जन लिखता है कि बंगाल While I is, it would be a my great contribution to bring down the nationalism, और बंगाल का विभाजन करता है, तब स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है, तब गलियों गलियों में यही वंदे मातरम जो है चेतना का केंद्र बिंदु बनता है।
करता है और अंग्रेजों को कंपेल करता है। और यही नहीं, मैं आपको बताऊं जो उन्होंने आनंद मठ में अपने लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने, तो किस तरीके से एक भवानंद नाम के सन्यासी ने जो अंग्रेजों की प्रताड़ना थी, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, किस तरीके से जो है उसको जो है अंग्रेजों को जो है एक पुल्स बैग दिया था। और यही नहीं, अंग्रेजों ने अमर्त सेन जो कि मास्टर दा के नाम से जाने जाते हैं क्रांतिकारी, अमर्त सेन के दांत और जीप काट ली थी, दांत उखाड़ दिया था, जीप काट दी थी कि वंदे मातरम न बोल सको। ये राष्ट्रीय भावना का केंद्र बिंदु हुआ करता था ये गीत। और हम कैसे भूल जाएं कि जिसकी बात की जा रही है कि जो कमेटी बनी थी उसमें जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। बाकायदा चीजें डिस्कस हुई थी, स्वीकार किया गया था संविधान सभा में फाइनली 24 जनवरी 1950 को। अब इस पर चर्चा, इस पर राजनीति दानिश जी और समझ चाहिए आपको। बिल्कुल।